पहले हम सब हमारे मन से डर का माहौल निकालना चाहिए। तो पहली घोषणा आप देंगे, अरे झूठ के पुलिंदे मोदी शाह मुर्दाबाद, झूठ के पुलिंदे मोदी शाह मुर्दाबाद, झूठ के पुलिंदे मोदी शाह दो गुंडे, मोदी शाह दो गुंडे, कुछ नहीं होता। आप सब जब तक डरेंगे तो वो आपको ऐसे डरवाएंगे। हमें ना पुलिस का डर होना चाहिए, ना जेल का डर होना चाहिए, ना मरने का डर होना चाहिए, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। हमारा पाला ऐसे दो गुंडों से पड़ा है कि जिनका इतिहास आप सोच भी नहीं सकते। आज हमको इसलिए पहले मैंने हमने इसलिए शुरू किया, मैं ये निरंजन शेट्टी है उसके आभार मानता हूँ, एडवोकेट है, उसने मुझे फोन किया कि सर लोग बहुत घर में बैठे हैं। हमने तो कहा मैं तो काम कर रहा हूँ, मैंने तो पहले दिन कहा कि ये मेरे जैसे संघर्षमय जीवन वाले लोगों को अपनी ताकत दिखाने का मौका है। आने दो, मुझे आता है ना, आने दो, ये सामने देखना चाहिए। मैं अभी बहुत स्टडी करके आया, मैंने बताया मेरे टीवी पे, मैंने वीडियो पे बताया है कि दो लोग जिन्होंने मोदी ने 2014 के पहले गुजरात में बुलाया था एक्सपर्ट्स, और उनको कहा था कि 2014 में देखो कितना झूठा आदमी है कि मशीन मैनेज ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, यानी मशीन कैसी मैनेज होती है, ये उस उनका साथ बैठ के दो दिन समझ लिया। अभी वो बेचारे बाहर आने को तैयार नहीं है, वो डरते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो उनको हम आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे। उनको वादा किया है, बोला कि आपके प्रोटेक्शन के लिए हम जिंदा है ना, आपको चिंता करते हैं। उसके बाद वो शुजा आपने अभी मेरे दोस्त ने जिक्र किया उसका, 12 लोग मारे हैं वो जिंदा रहा। अरे सरकार यदि सरकार में कोई नीति है तो इंक्वायरी करो ना। तीसरी बात ऐसी है कि जब हम अपने बैंक में जाते हैं पैसे रखते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसीट लेते हैं कि नहीं, रिसीट लेते हैं कि नहीं। अरे हमारा वोटिंग बैंक से पैसे से ज्यादा महत्व का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जब हम वोटिंग देते हैं तो हमें पर्ची मिलनी चाहिए, ये तो होता। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर आए हैं, इसी नतीजे पर आए हैं कि किसी हालत में, मैं आपको शपथ दिलाता हूं कि किसी हालत में हम सिर्फ बैलेट पेपर पर वोटिंग करेंगे, दूसरा मशीन का वोटिंग करेंगे नहीं। हम सब मेरे सामने हम सब शपथ लेते हैं कि हमारा वोटिंग, अगला वोटिंग सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, किसी एवीएम का बटन हम दबाएंगे नहीं। जय भारत। हमें आज दूसरी बात ऐसी है कि आज जो वहां शपथ हो रही है उनके मन में मालूम है, अरे तुकाराम महाराजांचा अभंग है, मन जाने पापा तुका म्हणे माय बापा, आपल्या मनाला आपला साक्षीदार मानते माणूस, आणि म्हणून त्यांनी जल्लोष केला नाही, जल्लोष करणं त्यांना शक्य नव्हतं, त्यांचं सगळं झूठ का पुलिंदा बाहेर आने वाला है इसलिए उनको मालूम है। लेकिन हम लोग घर में बैठे तो कुछ नहीं होगा, घर में बैठेंगे डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज हमने भी सुप्रीम कोर्ट में, मैं भी गया था, इसके खिलाफ मेरा खुद का पिटीशन था, अनेक पिटीशन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानता ही नहीं। जिस संस्था पर प्रजातंत्र निर्भर है वो सब संस्थाएं मोदी ने खा ली है। जुडिशरी के लिए दबाव लाने के लिए पहले क्या किया कि उसको लोहिया को, जस्टिस लोहिया को 100 करोड़ के ऑफर दी। 100 करोड़ के ऑफर देने वाला कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र ऑफर देता है कि 100 करोड़ ले लो, अमित शाह को मदद करो। अमित शाह जब बोले कि क्या बोले अमित शाह को, जज इतना ही बोला, एक जज पहले उत्पात था, बोले अमित शाह बंबई में आते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं आता? उसकी ट्रांसफर हो गई। लोहिया ने रिफ्यूज किया, उसको मरवाया, इतनी बुरी तरह से मरवाया है। लेकिन हमारे पास जो एविडेंस है वो डर के मारे कोई लेता नहीं, क्या करेंगे बड़े हमारे दोस्त है जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर निरंजन टकले ने इन्वेस्टिगेशन किया, आज वो इन्वेस्टिगेशन लेने कोई तैयार नहीं। इतना माहौल डर का माहौल है। ये सामान्य जनता ही सिर्फ
ये डर से बाहर आ सकती है। कोई एक आधा नेता दूसरा नेता नहीं आएगा। 11, 21, 23 पार्टीज यदि रास्ते पर आती है और हम देश को नहीं चलने देंगे तो क्या करेगा मोदी? कुछ नहीं कर सकते। अभी अभी फ्रांस में या जर्मनी में कहीं आज डीजल के पेट्रोल के भाव बढ़े थे तो उन्होंने रास्ते पर अपने व्हीकल पार्क कर दिए, देश ठप्प हो गया, देश ठप्प हो गया। तो ये हम क्यों नहीं करते? लेकिन हमारे लोग जाति में धर्म में बटे हुए हैं। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि हमसे पहले इंसान है और मानवता हमारा धर्म है। हमें ना हिंदू ना मुस्लिम, ये सब उनके नियम है, इसकी इसमें हम जाएंगे नहीं। मैं आपको आखिरी विनती करता हूँ कि ये लड़ाई समझे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप सब साथ देते हैं तो हम मरने को कभी भी तैयार है। हम मरने को तैयार है। मैंने जब मैं रिटायर नहीं हुआ, मैंने एट एज ऑफ 47 जस्टिस का रिसिग्नेशन दिया था। जब इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया तो मैंने कहा ये वर्ण व्यवस्था लाने की चाल है, साजिश है। तब से मैंने काम कर रहा हूँ 30 साल, और मैंने कहा कि मैं पुलिस को डरूंगा नहीं, जेल को डरूंगा नहीं, मरने को डरूंगा नहीं। मेरे ये 3 स्लोगन लेके लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हम आंदोलन करते हैं। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि हम तय करेंगे तो 1 लाख लोग, मैं बाहर से लाता हूँ, आप बम्बई से 1 लाख लोग खड़े करो, बम्बई बंद करेंगे और उनको मैसेज देंगे, उनको मैसेज देंगे मोदी शाह को हटाएंगे, मोदी शाह दो गुंडे, मोदी शाह दो गुंडे, मोदी शाह दो गुंडे, मोदी शाह दो गुंडे, झूठ के पुलंदे नहीं चलेंगे। अभी मुझे सवाल पूछे गए कि आप लीगल पर क्यों नहीं बोले? जो मेरे पास एविडेंस है उसको हम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं, वो हम आज डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मैं इतना ही बताया कि जिन 2 लोगों को बुलाया था मोदी ने, मीटिंग करवाई लेकिन उनको वापस बुलाया नहीं, मीटिंग करवाई, मालूम कर दिया कि ये कैसे हैक हो सकता है, और उसके बाद वो एक्सपर्ट को बुलाया नहीं, दूसरे एक्सपर्ट अपॉइंट किए। तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम 2013 से कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में एवीएम के खिलाफ, और आज भी हमारा पिटीशन रेडी है। हम दो तीन पिटीशन करने वाले हैं, लेकिन वो पिटीशन नॉन पॉलिटिकल होगा, नॉन पॉलिटिकल होगा, क्योंकि जजेस भी आज, जजेस की भी उनको भी थोड़ी हिम्मत देने की जरूरत है। सच बोलो तो आज देश को सिर्फ जुडिशियरी बचा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बता सकता है, लेकिन उनको उनमें इतना दम क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। प्रजातंत्र जिन जिन संस्थाओं पर निर्भर है वो सब संस्थाएं नपुंसक बनी है, उन सबको काम को लगाने का काम सिर्फ जन आंदोलन कर सकता है। yes. बस थोड़ा थोड़ा